शटल के लिए 15 मिनट रुकना है। हम सोच रहे हैं यहाँ से वॉक करते करते जाते हैं, क्या पता रास्ते में कुछ इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए। यहाँ पे मिल जाती है मोटर बाइक रेंट के लिए। तो इंडियन रेस्टोरेंट में हमें खाना मिल गया था, हमने खा लिया। बीच बीच में इंडियन रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है यहाँ पे, जहाँ पे दाल चावल रोटी सब्जी ये सब मिल सकता है, बट उन मतलब बहुत लिमिटेड रेस्टोरेंट है। अभी तक हमें दो ही दिखे थे, एक का मिस हो गया था हमसे, दूसरा हमने फटाफट से ले लिया और खा लिया वहाँ पे। अब हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, ये बांग्ला स्ट्रीट है, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, और उसके बाद हम जा रहे हैं बीच में। तो ये वो वहाँ से स्टार्ट हुई है बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट, और ये पूरा आ गया है। ये पतोंग बीच, पीछे हमारे पूरा पतोंग बीच है। आप ले जा रहे हैं वायु के लिए कुछ 7-Eleven से पे। सुपर मार्केट की तरह सब कुछ मिल जाता है यहाँ, आइसक्रीम वगैरह जो भी लेना चाहिए। अब ऐसे जाऊं क्या? हाँ ऐसे चलो, नाइट वॉक ही तो करना है शाम को। मेरा भात उठा लो। जब भात तुम्हारा तुम्हारे वॉलेट में होगा, ये है वॉलेट। अब निकल रहे हैं हम यहाँ पे नाइट वॉक करने के लिए। नाइट में जो हमारे थोड़े से भात बचा हुआ है उस भात को हम खाली करने के लिए जा रहे हैं। इसकी पानी की बोतल ले जाओ, हमारे वाले से हो जाएगा ना इसका। मैंने बैग बना के रखा था, बैग का है एक बैग तो ज़रूरी है, और साइड बैग हमें मिला ही नहीं, तो जो बैग है मेरे पास उसी को लेके जा रही हूँ मैं। उसमें खवा, ये तुम्हें फिफी आइलैंड का ये दिया हुआ है क्या टाइमिंग? ये टिकट है, ये हमारा कल का फिफी आइलैंड का टिकट है। मॉर्निंग 7:45 कैब आ जाएगी हमें लेने के लिए होटल के बाहर से, और अगर हमने 5 मिनट भी मिस कर दिया तो वो मिस हो गया, हमारे सारे पैसे चले जाएंगे। हमारे उसमें लगे हैं 3,500 भात, तो 3,500 भात की हमारी 5 या 2 मिनट की भी कीमत नहीं है। तो हमें जल्दी से मॉर्निंग में तैयार होना है और जाना है, उसमें ब्रेकफास्ट और लंच इंक्लूडेड है, और कुछ एक्टिविटीज़ वो कराएंगे। अभी मैं क्लियर नहीं हूँ क्या क्या करवाने वाले हो, कल ही पता चलेगा। हाँ अभी हम जाते हैं यहाँ पे नाइट वॉक करने के लिए। यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारे स्टॉल्स, कुछ भी वेज मिलता ही नहीं है भाई यहाँ पे। ये जो स्टिक्स हैं वो पर स्टिक 10-10 रुपये में मिल जाती है यहाँ पे, स्टॉल में मिल रही है, बाकी जगह पर महंगी भी मिलती है। जैसे ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है चिकन मीट बॉल है 10-10 का, और ये 20 इंच पीस, ये KFC चिकन की तरह है। दिन में खाया था हमने चिकन टिक्का मसाला, बट अभी मैं ट्राई करूँगी, यहाँ पे है एक अमृतसरी रेस्टोरेंट उसमें खाने का, और मैं ट्राई करूँगी कि मैं वेज खाऊँ, क्योंकि अभी तक मुझे यहाँ 3 दिन हो गए, मैंने एक भी दिन वेजिटेरियन खाना नहीं खाया है, नॉन वेज ही। तो मैं ट्राई करूँगी वहाँ पर क्या मिलता है। वैसे तो पंजाबी लोग नॉनवेज बहुत अच्छा बनाते हैं, बट देखते हैं क्या बनता है और मैं क्या ऑर्डर करती हूँ आज। ये यहाँ के लोकल लोग हैं जो अपना यहाँ पे पिकनिक टाइप का एंजॉय कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम से लोग एंजॉय कर रहे हैं, हांडी जैसे हम कुछ पका रहे हैं, और विद फैमिली आए हुए हैं और अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ये हांडियाँ बना रहे हैं, कुछ सूप बना रहे हैं। ये शॉप हो गई पूरी ग्रिल्ड कुछ की, जो नॉनवेज के फ़ैन हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत कुछ खाने के ऑप्शन है। और ये लाइव फिश है, ये इसे सेलेक्ट करना है, वहीं से वो ये मार्केट वगैरह करके दे देंगे।
बज रहे हैं रात के 10 और यहाँ पे चल रहा है एंजॉय, बच्चों का बिल्कुल मस्ती कर रहे हैं ये। पीछे एंजॉय कर रहे हैं सब लोग और अब हम चलते हैं आगे, पूरा हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ का है इंडियन कुजीन रेस्टोरेंट जहाँ पे हम चल नहीं पा रहे हैं।